हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। अक्सर कहा जाता है कि शर्म और झिझक के कारण आप जिंदगी की रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक डॉक्टर की शर्म और झिझक एक महान आविष्कार की वजह बन गई। आप सभी ने डॉक्टर के हाथ में मरीजों की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप जरूर देखा होगा, लेकिन अगली बार आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो शायद डॉक्टर को नहीं पता होगा कि स्टेथोस्कोप का इन्वेंट किसने किया। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि स्टेथोस्कोप का इन्वेंट किसने किया। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए जानते हैं स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर के बारे में, उसके इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। स्टेथोस्कोप के आविष्कार को मेडिकल साइंस के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। इस स्पेशल डिवाइस के आविष्कार का श्रेय फ्रेंच वैज्ञानिक रेने लेनेक को जाता है। लेकिन स्टेथोस्कोप के आविष्कार के पीछे एक मजेदार कहानी भी है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, तो बने रहिए एंड तक। रेने लेनेक का जन्म 1781 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई अपने फिजिशियन अंकल की देखरेख में नेटिसन में की थी, लेकिन फिर उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मेडिकल कैडेट के तौर पर हिस्सा लेने के लिए बुला लिया गया। 1801 में उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 1815 में फ्रेंच राजाशाही स्टेब्लिश होने के बाद इन्फेनेट मेल एड्रेस नाम के हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में किया था और इसकी वजह बनी थी उनकी शर्म और झिझक। दरअसल स्टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी भी मरीज की जाँच के लिए उसके सीने के पास कान लगाकर सुनते थे उनकी धड़कन। एक बार क्या हुआ, लेनेक हार्ट की समस्या से जूझ रही एक महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने लेनेक ने इस स्थिति से बचने के लिए एक कागज को मोड़कर उसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में बनाया और ट्यूब की एक सिरे को महिला के चेस्ट पर रखा और दूसरे सिरे को अपने कान के पास रखा और इस तरह से उन्होंने उनकी हार्ट बीट सुन ली। ऐसा कहा जाता है कि लेनेक को ऐसा करने की इंस्पिरेशन इसलिए मिली क्योंकि वो बांसुरी बजाया करते थे, तो लेनेक की यही हेजिटेशन स्टेथोस्कोप के आविष्कार की वजह बन गई। अपने इस एक्सपेरिमेंट से एक्साइटेड होकर लेनेक ने बाद में लकड़ी के कई खोखले मॉडल बनाए जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन लगाया था और दूसरे सिरे पर ईयरपीस, और उन्होंने इसे नाम दिया स्टेथोस्कोप। रेने लेनेक का ये आविष्कार फ्रांस से निकलकर धीरे धीरे पूरे यूरोप और फिर अमेरिका में फैल गया। 1826 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण लेनेक की महज 45 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई, लेकिन उन्हें अपने इस इम्पोर्टेंट आविष्कार के महत्व का अंदाजा अच्छी तरह से था, इसीलिए उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी विरासत कहा था। और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ये दुनिया के हर एक डॉक्टर के गले में लटका हुआ मिलता है ये स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के आविष्कारक लेनेक का जन्म 17 फरवरी 1781 में फ्रांस में हुआ था। लेनेक को उनके 235वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए गूगल ने लेनेक पर एक डूडल भी बनाया था। तो व्यूअर्स, आप स्टेथोस्कोप के आविष्कार को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। स्टेथोस्कोप के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसकी राह देख रहे हो, जल्दी से वो लाल बटन दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। स्टेथोस्कोप का पहला फैक्ट ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्टेथोस्कोप शब्द का अर्थ और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये वास्तव में ग्रीक ओरिजिन का शब्द है और जिसका सीधा अर्थ है मैं छाती देखता हूँ। मतलब आप अगर ग्रीस में जाकर किसी से कहोगे स्टेथोस्कोप तो वो शायद बुरा मान जाएगा, क्योंकि तब आप उसे कह रहे होंगे कि मैं आपकी छाती देखता हूँ। स्टेथोस्कोप का दूसरा फैक्ट ये है कि आप मानो या ना मानो, लेकिन स्टेथोस्कोप को ओरिजिनली मृत्यु का असेसमेंट करने के लिए बनाया गया था। स्टेथोस्कोप को लाइफ सेविंग डिवाइस के रूप में नहीं बनाया गया था। दूसरी ओर शुरुआत में इसका उपयोग केवल ये पता लगाने के लिए किया जाता था कि क्या कोई पहले से ही मर चुका है या नहीं। स्टेथोस्कोप का तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि 2011 में ऐसा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया जो धरती पर बैठे मेडिकल प्रोफेशनल को धरती से बाहर अंतरिक्ष में बैठे एस्ट्रोनॉट की दिल की धड़कन सुनने में मदद करता है। ये डिवाइस को बनाया है 3M लिटमैन कंपनी ने और इस स्टेथोस्कोप का नाम है स्कूप टू स्कूप टेले ऑस्कोल्टेशन सिस्टम। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले।
मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए मंजिल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।